निष्पक्ष लेखनी चलती जब, निष्पक्ष लेखनी चलती जब, सत्य समक्ष स्वयं आता है, कवि की वाणी सदा अमर, भावी इतिहास दर्शाता है। अधिमान्यता उत्कृष्ट निज की, अधिमान्यता उत्कृष्ट निज की, प्रथम प्रविष्ट इस सृष्टि पर हूँ, आकाश से जल बिंदुओं सम ज्ञान की मैं वृष्टि बस हूँ। संस्कृति के निकटस्थ हिंदी सरल सुगम्य यह भाषा है, संस्कृति के निकटस्थ हिंदी सरल सुगम्य यह भाषा है, सागर समकोश अति विस्तृत सभ्यता की परिभाषा है। कारण मात्र जिसके विश्व में साहित्य अनुपम है बने, कारण मात्र जिसके विश्व में साहित्य अनुपम है बने, आदिकाल से प्रख्यात जो सूर्य सम ही सदा तने। अब मैं अपनी कविता जो बालीवत पर मैंने लिखी थी, जब माता सीता का हरण हो जाता है और श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल हो जाते हैं, जंगल जंगल भटकते हैं माता सीता को खोजने के लिए, माता सीता को पाने के लिए, एक ईश्वर एक विधाता कैसे व्याकुल हो जाता है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए, सुनिएगा। जब विधाता शोक में रत बढ़ रहे होते सदा, जब विधाता शोक में रत बढ़ रहे होते सदा, वे अश्रुओं को देखकर भी धन्य होती संपदा। रोते बिलखते हैं वही जो व्यग्र होते वियोग में, रोते बिलखते हैं वही जो व्यग्र होते वियोग में, जब जान की वल्लभ स्वयं थे निज प्रिया के शोक में। करता नमन आकाश, करता नमन आकाश, झुकते सकल सुर सामने, जब सुकोमल पद धरे तृढ़ कंटकों पर राम ने। अब जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को खोजते खोजते आगे बढ़ते हैं, तब वे उस पर्वत के सामने आते हैं जहां पर सुग्रीव अपने ही भाई बाली से छिपे हुए थे। और जब सुग्रीव श्री राम को देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और उन्हें लगता है कि बाली ने ही कोई शत्रु भेजा होगा। सुनिएगा। सहमा हुआ भयभीत मन से, सहमा हुआ भयभीत मन से, भीति दर्शाते हुए, जब देख हर को दंड खंडन राम को आते हुए। हो उठा भ्रांत भयभीत छवि देख निष्पलक राम की, हो उठा भ्रांत भयभीत छवि देख निष्पलक राम की, बोले विधाता मृदु वचन हूँ खोजता मैं जानकी, हूँ खोजता मैं जानकी। अब सुग्रीव श्री राम को अपनी व्यथा बताते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके पत्नी का हरण हो गया, उनका राज छिन गया। सुग्रीव अपने भाई बाली के बारे में क्या बताते हैं, सुनिएगा। नर अभिमान के वश में अहो, नर अभिमान के वश में अहो, होता गुणों से हीन है, मत बुद्धि को कर क्षुब्ध, करता स्वयं को दीन है, किंतु फिर भी लोभवश निज बंधु पर धन तानता, किंतु फिर भी लोभवश निज बंधु पर धन तानता है, ठानता रड़ हो अभय नरता नहीं वह मानता, नरता नहीं वह मानता। अब श्री राम यह निश्चय करते हैं कि वे बाली का वध करेंगे, और जब बाली का वध कर देते हैं श्री राम, तो बाली उन पर अधर्मी होने का आरोप लगा देता है कि तुम तो बड़े अधर्मी हो, तुमने तो पेड़ के पीछे से छिपकर मुझे मारा है। तो सुनिएगा, बाली जब श्री राम को देखता है, श्री राम बाली का वध कर चुके हैं, अब क्या होता है। देख कर प्रभु राम को बोला अधर्मी हो बड़े, देख कर प्रभु राम को बोला अधर्मी हो बड़े, देव तुल्य पूजित सदा किस भांति सम्मुख हो खड़े। अव्यंग कसता है कि हे रघुवंश के राजन परम, हे रघुवंश के राजन परम, क्या इसे धर्म कहते हो, हे रघुवंश के राजन परम, क्या इसे धर्म कहते हो, मेरे किए कृत पाप का तुम इसे मर्म कहते हो। हे राम कहो कुछ सार सघन, हे राम कहो कुछ सार सघन, हे राम कहो कुछ तत्वशेष, अति गोपनीय यह महत भेद, क्या मेरा तुमसे रहा द्वेष। और श्री राम फिर उत्तर देते हैं बाली को कि जब जीवन में नवजीवन का, जब जीवन में नवजीवन का संचार प्रबल होता है, जब जीवन में नवजीवन का संचार प्रबल होता है, होता सिद्ध शीर्ष पर किंतु क्षण में प्रताप खोता है।
इसी तत्व का कर प्रबोध विश्रम्भ सदा भरता नर में, इसी तत्व का कर प्रबोध विश्रम्भ सदा भरता नर में, चाहता बांधना सृष्टि चाहता समूचा व्योम कर में, जिसके हित मात्र लालसा पूजनी होती है वह धरा नहीं जनजीव के हित पूजनी होती है।